स्थान में आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। देवघर में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अब तक 19 लोगों को बचाया गया। 48 लोगों के रोपवे पर फंसे होने की थी खबर, वायुसेना से ली जा रही है मदद। जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी छात्रों के बीच झड़प से थर्राया कैंपस, नॉनवेज को लेकर हंगामे में कई जख्मी, केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की अपनी जांच। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और बंगाल तक रामनवमी पर हिंसक झड़प, बोले एमपी के मंत्री, जिस घर से पत्थर निकले उसे बना देंगे पत्थरों का ढेर। रूस यूक्रेन युद्ध में 1.5 महीने बाद टैंक्स ने उगली आग, मार्किलीव पर पुतिन की फौज का भारी हमला, डेंटरों को बर्बाद करने की साजिश का खुलासा। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की पीएम पद पर आज ताजपोशी, रात 8:30 बजे शपथ ग्रहण, सहयोगी दलों के साथ घंटों तक हुई बैठक। सीएम गहलोत ने फिर उठाई ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग, कहा हमारी मंशा है ईआरसीपी का काम हो शीघ्र पूरा, जिससे 13 जिलों को मिल सके पेयजल सिंचाई का पानी। राज्यपाल को बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने सौंपी करौली हिंसा की रिपोर्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने किया तुष्टीकरण, किरोड़ी मीणा ने पलायन का उठाया मुद्दा, बोले 195 लोगों ने किया पलायन। जयपुर ग्रेटर निगम मेयर डॉक्टर सौम्या को बड़ी राहत, एसीजीएम 8 कोर्ट ने किया बरी, कोर्ट फैसले पर बोली सौम्या, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, सतीश पुनिया ने बताया सरकार के प्रतिशोध की कार्रवाई। प्रदेश में एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, सिरोही में फूड इंस्पेक्टर 22,000 की घूस लेते ट्रैप, तो राजसमंद एसीबी की टीम ने उदयपुर में ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। भीलवाड़ा में 4 भुजनाथ मंदिर की शोभा यात्रा में विवाद, तिलकनगर में तनातनी और धक्का मुक्की, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग, विरोध में बाजार बंद, हिंदू संगठनों और पुलिस प्रशासन के बीच वार्ता जारी।